नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। पीलीभीत लोकसभा सीट की बात की जाए तो पीलीभीत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करीब 83,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी को अभी तक 2,18,420 वोट प्राप्त हुए हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी को 1,35,347 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनीस अहमद खां उर्फ फुलबाबू 1,86,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पीलीभीत की यदि बात की जाए तो पीलीभीत में अभी तक करीब 4,00,000 वोट खुले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 2,18,000 वोट मिले हैं। टोटल 11,55,000 वोट पड़े हैं। इस आंकड़े से यदि भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन चलता रहा तो करीब 3,00,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी की जीत दर्ज हो सकती है, क्योंकि अभी तक 4,00,000 वोट खुले हैं, जिसमें 83,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं 7,00,000 वोट खुलना बाकी है पीलीभीत के लिए, और पीलीभीत में कहीं ना कहीं इस बार जितिन प्रसाद की ऐतिहासिक जीत हो सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बरेली लोकसभा सीट की, तो बरेली लोकसभा सीट पर अभी तक आपको बता दें छत्रपाल गंगवार 1,93,000 वोट मिले हैं और 31,932 वोटों से आगे चल रहे हैं। बरेली लोकसभा सीट की बात की जाए तो छत्रपाल गंगवार की जीत तय है, और 101% जो यूपी अपडेट ने पूर्व में भी बताया था, कहीं ना कहीं छत्रपाल गंगवार बरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज करेंगे। यदि इसके साथ ही ऑल ओवर की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 34 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर, अभी तक इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 35 सीटों पर सपा आगे है और भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर आगे है। वही सुल्तानपुर सीट की बात की जाए तो मेनका गांधी भी यहाँ पर करीब 10,000 वोटों से पीछे चल रही है। आपको बता दें कि पीलीभीत से पूर्व सांसद जो वरुण गांधी हैं, उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से पीछे चल रही हैं। पीलीभीत की बात की जाए तो जितिन प्रसाद 83,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार अपडेट बनी रहेगी, आप देखते रहें।